अनलॉक वन में मिनी मुंबई कहलाए जाने वाले शहर इंदौर में कई तस्कर गिरोह सक्रिय हो गए। इसी को लेकर इंदौर क्राइम ब्रांच ने टीम तैयार कर तस्करों पर नकेल कस रखी है। इसी को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि थाना एरोड्रम छोटा बांगरदा तरफ अवैध गांजा लेकर बुलेट से दो व्यक्ति बाहर से तस्करी कर अवैध मादक पदार्थ गांजा बोरी में भरकर सुपर कॉरिडोर की तरफ से लाने वाले हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच एवं थाना एरोड्रम पुलिस के द्वारा बुलेट से प्रदीप दीपक को पकड़ा और उनके पास से प्लास्टिक की बोरी मिली, जिसकी तलाशी पर उसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा 9 किलो 200 ग्राम बरामद हुआ और परिवहन में उपयोग की जाने वाली एक काले रंग की रॉयल एनफील्ड बुलेट भी आरोपियों से जब्त की गई और दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना एरोड्रम में कई धाराएं पंजीबद्ध की गई। आरोपी प्रदीप पाठक से पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा धार जिले के गांव से गांजा लाना बताया गया। आरोपी प्रदीप पाठक थाना एरोड्रम थाना के कुख्यात हैं और प्रदीप के खिलाफ एक दर्जन से भी अधिक अपराध पंजीबद्ध है और थाना एरोड्रम का सक्रिय गुंडा भी है, जो अपने साथी दीपक पाल के साथ लॉकडाउन खुलने का फायदा उठाते हुए बड़ी मात्रा में इंदौर शहर में गांजा सप्लाई कर पैसा कमाना चाहता था। कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं सर, क्या है पूरा? ये लगातार कार्रवाई चल रही है मदद जो पदार्थों के बीच। इसी तारतम्य में सूचना मिली थी कि थाना एरोड्रम क्षेत्र में जो कुख्यात बदमाश जो गुंडा लिस्ट में है प्रदीप पाठक, वो कहीं धार से कहीं से गांजा खरीद के ला रहा है और बुलेट मोटरसाइकिल पर है, उसके साथ एक व्यक्ति और है। तो इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने और एरोड्रम की टीम ने काम किया गया और इसको फिर जो बताए हुए पते पर घेराबंदी की गई तो दो व्यक्ति पकड़े, जो मोटरसाइकिल बताई गई जो बुलेट थी और बुलेट ही मोटरसाइकिल पर दो लोग बैठे हुए थे। तो हमारी सूचना को और तस्दीक करने के लिए टीम ने फिर जब घेराबंदी की और पकड़ा गया तो उसमें एक व्यक्ति जो उसने अपना नाम बताया प्रदीप पाठक, जो कि एरोड्रम की गुंडा सूची में लिस्टेड है और 15 से अधिक अपराध हैं उसके, और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम संदीप पाल बताया। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। कुल नौ किलो गांजा मिला है, लगभग 1 से 1.5 लाख की कीमत का है और ये जो उनके द्वारा पूछताछ बताया गया कि वो धार से इसको खरीद के लेकर आते हैं और उसके बाद इंदौर में पुड़िया बना के छोटी छोटी पुड़िया बना के और उनको ऊंचे दामों पर बेचते हैं। सर पूर्व में कहीं कार्रवाई की जा रही है? पूर्व में भी कहीं रिकॉर्ड है सर उनके? मैंने बताया कि प्रदीप पाठक एरोड्रम का लिस्टेड गुंडा है, उसके 15 अपराध ऑलरेडी पंजीबद्ध है और ये 16 अपराध। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।